हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे गाइस, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे थे कि मेरे जो लास्ट वीडियो था उसका नोटिफिकेशन उनके पास गया ही नहीं है, तो इसलिए उस वीडियो का रिस्पांस भी उतना अच्छा खासा नहीं मिला है। तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। अच्छी खासी वीडियो है ऑफ कटर के ऊपर। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये थे कि हम लोग ट्रायल, मतलब जो हमारे जो बॉलिंग ट्रायल हो, क्लियर कैसे करें, ठीक है। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट वो है बैटिंग के ऊपर, तो उसमें बॉलिंग का कुछ भी लेना देना नहीं था। बट आज की जो वीडियो है प्रॉपर एक बॉलिंग के ऊपर होगी कि जो बॉलर्स होते हैं वो अपना ट्रायल कैसे क्लियर करें, उन्हें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या उनको अपना देखना चाहिए कि उनका एक्शन कैसा जा रहा है, पाँव कैसा जा रहा है, तो उस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, कोई भी क्रिकेट ट्रायल क्लियर करने के लिए आप लोगों की अकेडमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको ट्रेनिंग मिलती है। और अगर आपकी ट्रेनिंग बेकार होगी तो आप क्रिकेट ट्रायल में जाके करेंगे क्या? तो उसी से रिलेटेड एक अकेडमी है जो कि पठान ब्रदर्स की है, ठीक है। इरफान पठान, न्यूसी पठान को कौन नहीं जानता। तो ये जो अकेडमी जो लॉन्च होने वाली है वो है जयपुर में, ठीक है। इसमें जो फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, जो एक बॉलर के लिए काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, जो कि पिच विज़न इसमें है। पिच विज़न का मतलब ये होता है, जब भी कोई बॉलर होता है जिसको अपनी लाइन लेंथ का पता नहीं होता, ठीक है, अपनी स्पीड का पता नहीं होता, उसकी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। आप अपना, मतलब आपके जो बॉलिंग एक्शन है, बॉलिंग स्पीड है, बॉलिंग लाइन लेंथ है, वो खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। पिच विज़न का मतलब ये होता है। तो काफ़ी अच्छे खासे हाई फैसिलिटीज़ के साथ ये जो अकेडमी है ये नई ओपन होने वाली है। तो अभी नई अकेडमी है तो आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो और फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो और फैसिलिटीज़ क्या है इसमें? तो गाइस देखिए, बहुत लोगों के पास किट बैग नहीं होते, तो ये अकेडमी उन्हें किट बैग भी प्रोवाइड करवा देगी। बट ये है कि उनको वहीं पर खेल के वहीं पर किट बैग रख के चले जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? इसमें हॉस्टल इंक्लूड है, ठीक है, अकेडमी के साथ। बहुत सारी अकेडमीज में ये होता है कि वो लोग ट्रेनिंग करने चले जाते हैं बट वहाँ पर हॉस्टल नहीं होता, तो इस अकेडमी में वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और उनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करिए, आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपसे रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जाइए, बाकी अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बॉलिंग ट्रायल कैसे क्लियर करना है उस बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे ज़्यादा मेन कोचेस किस पे ध्यान रखते हैं? आपके रनअप पे, कि आप रनअप कैसे ले रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइन लेंथ पे। तो पहले हम लोग रनअप पे बात कर लेते हैं कि रनअप कैसे लेना चाहिए। तो आइए, तो गाइस अब बात करते हैं रनअप की। तो देखिए गाइस, सब लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पाँव खोल के भागेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट आप जिसमें कंफर्टेबल वो पहले करिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने छोटे छोटे कदम भी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत बॉलर लेते हैं। और ये भी बहुत मिथ है कि बहुत दूर से भागने पे बहुत तेज़ बॉल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बुमराह का एक्शन जिसने भी देखा होगा और रनअप का देखा होगा डिस्टेंस, तो उससे साफ पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मिथ था। आपको जितना अच्छा लगे, कंफर्टेबल रहे, उतने रनअप से ही भागिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से भागते आएंगे, बहुत दूर से भागते आएंगे तो एक होता ना कि थक भी जाएंगे और एक जो फोकस होता है वो भी हट जाएगा। तो इसलिए जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है उतना ही करिए और तब बॉल डालिए। तो देखिए, आपको पहले करना है क्या है, आप देखिए, कभी भी आप जब बॉल डालते हो ना तो नॉर्मल से खड़े होकर मत भागिए, बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। तो प्रॉपर एक जिस पोजीशन में होता है ना बॉलर, पहले उस पोजीशन में रख के थोड़ा सा, मतलब स्टांस ले लीजिए, चाहे जैसे बैटिंग का स्टांस होता है ना वैसे आप इसका लीजिए। अब आपको करना है क्या, जब आप बॉल डालने वाले तो एंड में एक हल्का सा जंप ले लीजिए ताकि आपको एक बाउंस मिल जाए, क्योंकि बाउंस अगर आप मारते हैं ट्रायल्स में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए करना क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर एक पोजीशन में ट्रायल बाउंस। तो जब भी आप बॉल डालने वाले हो तो गाइस ध्यान रखिए कि सीम पे पड़े, सीम पे बॉल अगर आप पकड़ेंगे और सीम से डिलीवर करेंगे सीधा, ठीक है, फ्लेक्स यहाँ पर कलाइयों का ध्यान रखिए, कलाइयों का ध्यान रखें, ऐसे अगर ऐसे करते हैं तो सीम पे ही पड़ेगी बॉल। तो सीम पे पड़ने के फायदे क्या होते हैं? बाउंस मिल जाता है, स्विंग मिल जाती है, और अगर ये उस टाइम आपको मिल रही है और अगर उस टाइम कोच देख रहे हैं तो ज़रूर है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं लाइन लेंथ की। तो इसमें हम दो बातें करेंगे, जो हमें करना है और जो हमें नहीं करना है। तो पहले बात करते हैं कि जो हमें करना है, गुड लेंथ में बॉल रखिए ताकि बीट करने में ज़्यादा आपको आसानी पड़ पाए बैट्समैन को। तो जितना बीट करते हैं कोचेस के सामने तो उतना आपका जो एक होता है ना रुतबा बढ़ता है कोच के सामने, कि हाँ यार ये प्लेयर, ये जो बॉलर के अंदर कुछ है जो बीट करा देता है एकदम तुरंत। फुल रखेंगे स्टार्टिंग में तो फुल एकदम होता है ना, ज़्यादा पाँव नहीं निकल रहे होते उस टाइम, तो आराम से कवर खेल सकता है, स्ट्रेट खेल सकता है। तो थोड़ा गुड लेंथ पर रखिए तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। क्या नहीं करना है? फुल नहीं रखना, फुल लगने में आपको दिक्कत ही होगी, वो आराम से खेल लेगा, ठीक है। और गाइस क्या इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए, अगर आप वेरिएशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, स्लोअर रन, अगर स्लोअर रन आपको अगर अच्छे से आता है तो ही ट्राई करिए। अगर वहाँ पर आप कोचेज के सामने जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ तो आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही बार गलती हुई तो आप बाहर। तो इसलिए जो आपको ज़्यादा आता हो वही चीज़ करिए, चाहे आपकी, मान लीजिए अगर आपको फुल लेंथ बहुत अच्छी आती है तो स्विंग करा सकते हो आप, तो फुल लेंथ ही रखिए, गुड लेंथ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आपको जो मेन आता हो उसी पे रखिए ज़्यादातर, ठीक है। एक्शन पे ध्यान दीजिए अपना, कि आपका एक्शन कैसा है, ठीक है, रनअप कैसा है आपका, लाइन लेंथ कैसी है आपकी, इस पे ज़्यादा ध्यान रखिए।
स्पेस उतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करेगा अगर आपका लैंडलाइन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो। अगर आपके पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भाई सोने पर सुहागा, स्विंग है तो डायमंड पर सुहागा। तो देखिए, इस क्रिकेट ट्रायल क्लियर करने के लिए आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज ठीक है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगर लो कॉन्फिडेंस में जाएंगे एकदम ना लो बैटरी एकदम, तो उस बंदे को देखने में मज़ा नहीं आता कि यार ये तो पहले से लो है ये क्या करेगा। लेकिन एकदम बूस्टअप चार्जअप अगर आप पहले से ही एकदम हो तो कोच आप पे थोड़ा देखेगा यार इतना बूस्टअप है, इतना कॉन्फिडेंस इस बंदे के अंदर है क्या, तो वो उसी पॉजिटिविटी की तरह से ही देखेगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको अपना बनाए रखिए। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, तो एक्सपीरियंस जो था मैंने आपसे मुझे शेयर करा है ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और पिछली बार की तरह जैसा रिस्पांस नहीं मिला है इस बार इसको रिस्पांस दे देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग आगे आने वीडियो में, और एक बार जो अकेडमी के बारे में मैंने बताया एक बार वो भी आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी अकेडमी होने वाली है, प्री लॉन्चिंग है उसका, तो जाके देख लीजिए। होपफुली कि अगर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं जयपुर जाकर उसकी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो जो जयपुर वाले देख रहे हैं तो शायद उनसे मिलने भी आ पाऊँ वहाँ पर। तो इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना और क्रिकेट ज़रूर खेलना, बाय।